नमस्कार, News4nation देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रिचा शर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की सियासत में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। रालोसपा चीफ उपेंद्र कुशवाहा एक बार फिर से एनडीए में शामिल हो सकते हैं, उनके घर वापसी हो सकती है। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि रालोसपा चीफ उपेंद्र कुशवाहा लगातार तेजस्वी यादव के इग्नोरेंस से नाराज चल रहे हैं। सीट शेयरिंग के मसले पर महागठबंधन में बात नहीं बन पा रही है और इसके साथ ही महागठबंधन की तरफ से सीएम पद के उम्मीदवार को लेकर भी कुशवाहा नाराज चल रहे हैं। कुशवाहा का मानना है कि सीएम पद का उम्मीदवार सबकी सहमति से होना चाहिए और नाम जो तय होगा वो भी सबकी सहमति से ही होगा। कुशवाहा चाहते हैं कि कुशवाहा ही सीएम पद के उम्मीदवार हों। हालांकि उनकी पार्टी भी यही चाहती है कि क्योंकि कुशवाहा काफ़ी अनुभवी नेता है, ऐसे में महागठबंधन की तरफ से सीएम पद का उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा को बनाना चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी यादव इग्नोर करते नजर आ रहे हैं, तवज्जो नहीं दे रहे हैं, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा आज आपातकालीन बैठक भी कर रहे हैं। प्रदेश कार्यकारिणी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, सभी जिलाधिकारी जो हैं वो बैठक में शामिल होने वाले हैं। लेकिन इसी बीच सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि आज एक बड़ा फैसला और कुशवाहा वापसी कर सकते हैं, उनके घर वापसी हो सकती है, एनडीए का दामन वो फिर से थाम सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि लगातार जिस तरीके से वो नाराज चल रहे हैं और इससे पहले भी जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं के साथ उनकी मुलाकात हुई थी और बीजेपी के नेताओं के साथ बैठक भी कर चुके हैं, जिस चीज़ों को देखते हुए ये खबर सामने आ रही है कि अब जल्द से जल्द कुशवाहा एनडीए का दामन थाम सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि कुशवाहा समेत पार्टी के बड़े नेता जेडीयू बीजेपी के संपर्क में हैं। खबर ये भी सामने आई है कि पिछले दिनों जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं से उनकी मुलाकात हुई और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ मीटिंग भी हुई। ऐसे में बिहार के सियासी गलियारों में उनकी एनडीए में वापसी की संभावनाएँ तेज हो गई है। चिराग पासवान के फैसले का भी इंतजार किया जा रहा है। सूत्रों से ये भी खबर आ रही है कि अगर चिराग पासवान एनडीए से बाहर जाने का फैसला करते हैं तो कुशवाहा की राह ज़्यादा आसान हो जाएगी। इसी बीच खबर ये भी है कि जदयू खेमे में उपेंद्र कुशवाहा ने बातचीत भी शुरू कर दी। हालांकि अभी सीएम नीतीश कुमार के इशारे का इंतजार किया जा रहा है। जदयू ने अभी तक कोई भी आश्वासन नहीं दिया है क्योंकि वो चिराग पासवान के फैसले का इंतजार कर रही है। इससे पहले भी बिहार की सियासत में बड़ा उलटफेर देखने को मिला था जब जितन रामांझी ने एनडीए का दामन थाम लिया था और उस समय एक बड़े नेता, दलित नेता कह सकते हैं, श्याम रजक ने जेडीयू का दामन छोड़कर और लालू की लालटेन थाम ली थी। और वहीं चीज़ें अब देखने को मिल रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि अगर चिराग पासवान एनडीए का दामन छोड़ देते हैं उसके बाद एनडीए में कुशवाहा के घर वापसी हो सकती है, बस इंतज़ार है तो चिराग पासवान के फैसले का। फिलहाल ये वक्त बताएगा कि कुशवाहा किस पाले में जाते हैं और कैसे बिहार की राजनीति को नया मोड़ दे देते हैं। फिलहाल के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे News4nation। नमस्कार।